Cave Beats. सालों से खुद को रुपहले पर्दे पर देखने का सपना संजोए बिस्वा के कंधुनी के बाशिंदों का इंतजार आखिरकार पूरा हो गया। जय जावेद स्टेडियम के बाहर लगाए गए मोबाइल सिनेमा में खुद को देखकर वो लोग गदगद हो रहे थे जिन्होंने सरज चौधरी के सहयोग से फिल्म कागज़ की शूटिंग में अपना घर मकान खेत खलिहान देकर अभिनय भी किया। फिल्म डायरेक्टर सतीश कौशिक ने भी अपना वादा निभाते हुए फिल्म कागज़ का शो फिल्म के सहयोगियों के साथ कंधुनी में देखा। खुद को फिल्म में देखकर खुशी से लबरेज लोगों से आई इंडिया ने जानी दिल की बात। सीतापुर के जिस कंधुनी गांव के आसपास कागज़ फिल्म बनाई गई है, आप देख सकते हैं कि उसी के आसपास ये फिल्म इस समय मोबाइल सिनेमाज में चालू की गई हुई है, जो सरज चौधरी के स्टेडियम के पास लगाया गया हुआ है। और ये दर्शक इस फिल्म का लुत्फ उठा रहे हैं। और आपको बता दें कि वादा किया था सरज चौधरी ने कि जब ये फिल्म बनकर तैयार होगी तो वो अपने गांव वालों को पहली बार जो अभिनय किए थे या जहां पर शूट हुई थी उनको दिखाएंगे। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले सरज चौधरी जी से ही जान लेते हैं कि उन्होंने क्या वादा किया था और वो वादा लोगों के लिए आज वो पूरा कर रहे हैं उनको फिल्म दिखाने का। ये देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, जब किसी गांव जहां शूटिंग हुई है, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने अपने मकान, अपने हवेलियां, अपने घर, अपना खुद योगदान दिया है, चाहे वो शूटिंग करने में हो, चाहे खाना सप्लाई करने में हो, चाहे सिक्योरिटी में हो, वो सारे लोगों को गांव में लाके सतीश सर ने और हम लोगों ने एक पिक्चर हॉल लगाया है, इसमें गांव में दिखा रहे हैं मोबाइल डिजिटल थिएटर में। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, ऐसा किसी गांव में आज तक हुआ नहीं होगा। ये इतिहास पहली बार रचा जा रहा है, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे बैठे देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दिन है, पंकज जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया, आई इंडिया की टीम ने पूरा सहयोग किया है। तो मैं चाहूँगा कि उन लोगों का सम्मान, उन लोगों से बातचीत करें जिन लोगों ने योगदान दिया है। तो ऐतिहासिक क्षण है, तो हम शुरुआत करते हैं उस ऐतिहासिक क्षण की जहां पर फिल्म बनी थी। तो राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी हवेली में भी ये शूट हुआ था, तो आपसे जानेंगे, टिकरा के राजा साहब हैं, आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनके यहाँ कागज़ फिल्म शूट हुई थी, उस फिल्म को आज देख रहे हैं पर्दे पर, क्या कहना चाहेंगे राजा साहब? बहुत खूबसूरत लग रहा है आज की ये फिल्म देख के, और सर भाई का ये नाइस पिक्चर हॉल जो देहात के अंदर, जो कल्पना भी नहीं आदमी कर सकता था, बहुत अच्छा काम किया। हमारे यहाँ भी फिल्म शूट हुई मेरे घर पे, उसी का सीन भी देखने और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के सीन देखने के लिए मैं भी उतर रहा हूँ। तो चाहता हूँ और लोगों से आप बात करें प्लीज़। बता दें कि इस फिल्म में राजा साहब ने अपनी हवेली को रात 12 बजे खाली करके दिया था। आपका कहना है कि कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वो पर्दे पर उस हवेली को, उस सीतापुर को देखेंगे जो सतीश कौशिक साहब ने अपनी फिल्म कागज़ में उतार के रख दिया है। और हम बात करने का प्रयास करेंगे कि ये सुशील सिंह जी हैं, इनके यहाँ भी शूट हुई थी फिल्म, आपका क्या कहना है? हमारा कहना इस फिल्म के बारे में, सरज जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम हमारे यहाँ सम्पन्न हुआ है, ये बहुत ही खुशी की बात है। ये कभी आशा नहीं थी, आशा को निराशा को आशा बदल दिया आपने। कभी आशा नहीं थी, आपका कहना है, उसको उन्होंने पूरा किया है सरज चौधरी ने। और हम बात करने का प्रयास करेंगे इस फिल्म को शूट करने में, या जहां पर फिल्मांकन हुआ था, शिवेन जी ने रामपुर कला में अपनी हवेली दी थी, तो उन्हीं से जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है जब पर्दे पर अपनी हवेली को, अपने इलाके को देख रहे। बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही अच्छा है, शरद भैया ने ज़िले में यहाँ पे बॉलीवुड वालों को बुला करके पिक्चर बनवा के, और ये एक नया वो शुरुआत दी है, और लगता है कि हम आशा करते हैं कि भविष्य में ये लगातार होता रहे, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि सरज चौधरी ने जो उन्हें आज दिखाया है फिल्म, तो वो चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसा होता रहे, उनमें आशाएं बढ़ गई हैं। एक फिल्म बनी है, दूसरी बने और तीसरी बने, वो हवेली, अपना क्षेत्र, अपना गांव, सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। आपका क्या कहना है? मैं प्रमोद अवस्थी गुड्डू। कागज़ फिल्म जब बनाई जा रही थी तो एक क्षेत्र में नया उत्साह हम लोगों में जगा था
कि हमारे भी क्षेत्र में एक पिक्चर बन रही है जिसका नाम कागज़ दिया गया। उसमें एक छोटा सा जो है सीन हमारा भी दिख रहा है, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपने क्या रोल अदा किया था इसमें? बस मृतक संघ की सभा में मंच में मैं बैठा हूँ, उसमें जो है वो विधायक का प्रतिनिधि साथ में बैठा हुआ हूँ, थोड़ा सा रोल दिखेगा इसमें। पर्दे पर देख के और अपने गांव में पर्दे पर देख रहे हैं उस फिल्म को, कैसा लगा? हमारे जनरेशन के लोग बहुत उत्साहित हैं, हमारी एज के लोग, हमारे छोटे प्यारे बच्चे सब बहुत उत्साहित हैं कि हाँ तुम्हारा फोटो भी जो है उसमें दिख रहा है। लोग उत्साहित हैं ये कहना है लोगों का, जब देख रहे हैं उनकी जनरेशन के लोग उत्साहित हैं क्योंकि पर्दे पर अपने आप को देखने को पा रहे हैं, अपने गांव को देखने को पा रहे हैं, अपने इलाके को देखने को पा रहे हैं। अब हमारे साथ एक नरेंद्र भी मौजूद हैं, वो प्रधान हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनको ये फिल्म कैसी लग रही है। आज जो ये हम कागज़ फिल्म देखने के लिए सब लोग आए हैं, ये हमारे क्षेत्र और हमारे जनपद का गौरव है जो माननीय सरस साहब के प्रयास से श्री कौशिक जी के द्वारा जो यहाँ बनाई गई और हमारे जो कलाकारों ने बनाई, ये बहुत ही हमारे ज़िले का एक गौरव है और हमको और हमारे क्षेत्रवासियों को बहुत अच्छा लग रहा है, यही कहना है। लग रहा है ये इनका कहना है। और ये एक और शख्स हैं जो फिल्म देखने पहुंचे हैं, उनके यहाँ सिनेमाज लगाया गया है मोबाइल, और वो कागज़ फिल्म को देखने पहुंचे हैं जो इन्हीं के इलाके में शूट हुई है। आपका क्या कहना है? मैं ये चाहता, मेरे को तो सबसे पहले तो ये लगा कि बहुत ही अच्छी मार्मिक मूवी जो है, और जिस हिसाब से मंचन जो किया है पंकज त्रिपाठी जी और मोनाल गुजर ने, बहुत ही सराहनीय है। और मैं स्पेशली थैंक्स टू शरद भैया जो जिनके अथक प्रयासों से आज जो बिस्वा का नाम रोशन हुआ है, मेरे को लगता है नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल ने, इंटरनेशनली हमारे बिस्वा का नाम उजागर हुआ है। मूवी तो अब स्पेशली देखना है, अभी तक मैंने मूवी पूरी नहीं देखी, कुछ सारांश देखा है, पर बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। तो और मेरे को लगता है इस मूवी में, मूवी को देखने के बाद या मूवी के आने के बाद हमारे बिस्वा का भी युग परिवर्तन होगा, जो कि शरद भैया की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। शरद भैया ने बहुत मेहनत की और मैं देख रहा हूँ कि इसमें लगे हुए हैं पूरी तरीके से, और यहाँ का जो रोज़गार है बिस्वा को इस माध्यम से एक बहुत बड़ा रोज़गार भी मिलेगा। आने वाली कई मूवियाँ, मेरे को लग रहा है जो दृश्यांकन किया गया है उसकी वजह से बहुत बड़ा एक बिस्वा को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो फिल्मी सितारों को अपने बीच पा करके और फिल्म का निर्माण जो हुआ है इस इलाके में, अब लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में बिस्वा कायाकल्प होगा, बिस्वा का परिवर्तन होगा। हम भी उम्मीद करेंगे कि बिस्वा बदले और माया नगरी में आगे भी दिखाई देता रहे। आपका क्या कहना है? आप तो कल्लू हैं जिन्होंने, आपको बता दें, जिनके घर पर पूरी फिल्म शूट हुई है और इन्हीं के घर पर रहकर बाकायदा पंकज त्रिपाठी और मोनल गज्जर ने कई दिन बिताए हैं, उनके दो बच्चे भी इन्हीं के घर पे हुए थे, सारी फिल्म इनके यहाँ शूट हुई है। और इनकी तारीफ खुद सतीश कौशिक साहब करके गए हैं। आपका क्या कहना है? सर आज हमें मूवी देखने को मिल रही, बहुत अच्छा लग रहा है, और आने वाले कल में अगर कोई और मूवी बनाने आते हैं तो उनका पूरा पूरा सहयोग करेंगे, बस यही हमारा कहना है सर। आने वाले दिनों में कोई और मूवी बनाते हैं तब भी ये वैसे ही मदद करने को तैयार हैं जैसा कि कागज़ फिल्म को बनवाने में इन्होंने मदद की है। आप क्या कहेंगे? हमें बहुत खुशी है कि ये मूवी आज चल रही है, हम देखने जा रहे हैं, और हमारे बाबा ने इसमें रोल किया है, सर की वजह से सब किया है, और वो आज हमारे बीच नहीं है, तो इसी मूवी के माध्यम से वो हमारे बीच ज़िंदा हैं, उनको देख के हम अब देखेंगे, उनको उनकी यादें ताज़ा करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि ये मूवी ये चल रही है और साहब की वजह से यहाँ रिलीज हो रही चल रही है। कागज़ फिल्म में किरदार अदा करने वाले मैलू बाबा अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें सचमुच जिंदा कर दिया है, ये उनके पोते का कहना है। सीतापुर से लोग भी पहुंचे हैं इस मूवी को देखने के लिए, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए कि कागज़ फिल्म को जो देखने पहुंचे हैं, क्या लगता है आपको? कभी आपने सोचा था कि सीतापुर में भी कोई फिल्म शूट होगी और आपको वहीं एक मोबाइल जो सिनेमाज मिल जाएगा जहां आपको देखने मिलेगा, और फिर उसको डायरेक्ट करने वाला डायरेक्टर
और जो इसकी हीरोइन आपके बीच में आएगी, कभी सोचा था? नहीं नहीं, ये तो एक इसका श्रेय पूरा शरद चौधरी को जाता है, जिन्होंने मिरेकल किया इस गांव के लिए, और ये देखने को आज मिल रहा है, ये सब उनकी बदौलत है। और आगे भी हम लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से वो प्रमोट करते रहें, क्षेत्र के वासियों जनता इसको रोज़गार मिलता है, काम मिलता है और प्रोग्रेस होती है इसी क्षेत्र, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आगे भी। तो हर कोई ये इन सब बातों के लिए सिर्फ और सिर्फ शरद चौधरी को तरक्की दे रहे हैं, मतलब तारीफ कर रहे हैं। अब एक और सीतापुर से पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं कि आप आनंद जी, आप क्या कहना चाहेंगी कागज़ मूवी को लेकर के? ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है सीतापुर में, पहले भी हो चुकी है शूटिंग, ये सेकंड टाइम है और यहाँ के लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इससे नए नए आयाम खुलेंगे हम लोग के लिए, ये अच्छी चीज़ है, अच्छी शुरुआत है। नए आयाम खुलेंगे ये उम्मीद लगाए हैं सीतापुर, और उनकी उम्मीद पूरी हो ये हम भी चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूँगा, क्योंकि और हमारे आदरणीय भैया शरद चौधरी जी, जिन्होंने एक बार हमसे कहा था कि ऐसा है आपको ये पिक्चर चलवा के यहाँ दिखवाएंगे यहीं, हम मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पिक्चर रिलीज होकर जब बनेगी तो इतनी अच्छी बनेगी, तो सबसे यही है। और अगली पिक्चर के लिए भी हमें सतीश कौशिक जी आश्वासन भी दे गए हैं, हम लोगों का बहुत अहम रोल रहा है भैया की वजह से ही, शरद चौधरी जी की वजह से ही इतना बढ़िया हम लोग इनके करीब पहुँच पाए हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ कहना है कि धन्यवाद है आप सभी को, और इधर बनती रहे अशोक वाजपेयी माना। तो अशोक वाजपेयी जी का कहना है कि एक फिल्म वो देख करके प्रफुल्लित हैं और दूसरी फिल्म का कमिटमेंट करके सतीश जी पहुँचे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये फिल्म कागज़ फिल्म जो इसी इलाके में बनी है और वो पर्दे पर आपके दिखाई जा रही है, तो उम्मीद करेंगे कि आगे भी ऐसी फिल्में शरद चौधरी बनवाते रहें और सीतापुर का नाम देश और दुनिया तक पहुँचाते रहें। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई फिल्म उनके इलाके में बनी हो और वो फिल्म इस तरीके से पिक्चर हॉल में, मोबाइल सिनेमाज में उन लोगों को दिखाई जा रही हो, ये नज़ारा वो लोग अपने बीच पाकर सचमुच कितने प्रफुल्लित हैं, कितने उत्साहित हैं और क्या क्या उम्मीदें उन्होंने अपने दिलों में सजा के रखी है, ये आज आई इंडिया से सभी ने साझा किया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर। खुश हुआ कंदुनी।
सालों से खुद को रुपहले पर्दे पर देखने का सपना संजोए बिसुआ के कंधुनी के बाशिंदों का इंतज़ार आखिरकार पूरा हो गया। जय जावेद स्टेडियम के बाहर लगाए गए मोबाइल सिनेमा में खुद को देखकर वो लोग गदगद हो रहे थे जिन्होंने सरद चौधरी के सहयोग से फिल्म कागज़ की शूटिंग में अपना घर मकान खेत खलिहान देकर अभिनय भी किया। फिल्म डायरेक्टर सतीश कौशिक ने भी अपना वादा निभाते हुए फिल्म कागज़ का शो फिल्म के सहयोगियों के साथ कंदुनी में देखा। खुद को फिल्म में देखकर खुशी से लबरेज लोगों से आई इंडिया ने जानी दिल की बात। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।